देखो प्रदीप जी, डीएनए का मतलब होता है कि पार्टी का लगातार वो पार्टी की विचारधारा से संगठन में काम करता रहा हो, पार्टी से लगातार जुड़ा हुआ हो, वो कभी इधर कभी उधर दो घोड़ों की सवारी नहीं किया हुआ हो। तो जो कट्टर कांग्रेस, जिसकी केवल एक विचारधारा कांग्रेस विचारधारा हो, तो उस डीएनए के लोग अगर संगठन में होंगे तो निस्संदेह पार्टी को मजबूती मिलेगी, संगठन को मजबूती मिलेगी, विचारधारा को मजबूती मिलेगी। और जिन लोगों की विचारधारा से जुड़ के और पार्टी में समर्पण है, उन लोगों को शक्ति मिलेगी। तो ऐसा अगर होता है तो करना चाहिए। लेकिन मैं भी काफी दिनों से, काफी वर्षों से ये बातें प्रभारी जी आते हैं तो सुनने को मिलती हैं, लेकिन लास्ट में जो निर्णय होते हैं उनमें उस स्टेटमेंट और उस प्रतिबद्धता की कहीं पूर्णतया समावेश मिलता नहीं है। यानी ट्रेलर और फिर भी पिक्चर में, पूरी पिक्चर में दोनों में अंतर होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्रेलर और ट्रेलर कुछ दिखाया जाता है, पिक्चर सामने कुछ आती है। अभी भी जब पार्टी सत्ता में होती है, एक पार्टी के एक व्यक्ति को मौका मिल गया कि वो किसी भी राजनीतिक, चाहे विधायक हो, जिला परिषद मेंबर हो, पंचायत समिति मेंबर हो, प्रमुख हो, प्रधान हो, और किसी भी नगर पालिका में चेयरमैन हो, तो हजारों पद हैं। किसी भी एक पद पे एक व्यक्ति को लाभ मिल गया, उसके बाद में उसी व्यक्ति को संगठन में काम देना, उसी व्यक्ति के द्वारा सत्ता आई हुई है और संगठन में काम चलाना, ये मेरे निजी विचार है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। पार्टी में जितने लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को महत्व दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समावेश होगा, वैसा अगर काम होगा तो पार्टी में जो सत्ता होती है तो सब लोग काम करते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं। कई चेहरों को हम पहचानते नहीं है, वही सामने नजर आते हैं सेक्रेटरियट में घूमते हुए। लेकिन जो पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है, और वो जो लोग काम करते हैं उन्हीं लोगों को पार्टी सत्ता में होती है तब महत्व दिया जाता है, तो इसका महत्व अलग होता है। इसके बारे में कई बार गोविंद डोटासरा जी भी कह चुके, सचिन पायलट जी भी कह चुके, सीएम साहब की भी मैं यही मानता हूं कि भावना यही होगी, क्योंकि उनसे भी पिछले 40-45 वर्ष से हर कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, उनको हर कार्यकर्ताओं के काम के बारे में सारा अनुभव है। तो मैं ये मानता हूं कि अब ये चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव के मात्र 10-11 महीने बच गए, 10-11 3 महीने पहले चुनावी माहौल आ जाता है, तो हमारे संगठन को हो, चाहे सरकार की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाने का काम हो, इन सब के लिए हमारे पास मात्र 6-7 महीने बचे हैं। और इस 6-7 महीने में हमें टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए, 50 ओवर वाला मैच नहीं खेलना चाहिए, बल्कि 20-20 खेल के और वो रन बनाने चाहिए जो एक टेस्ट मैच में और वनडे में बनते हैं।